प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आपके वचन में आपने कहा, प्रभु जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम से मिलते हैं उनके बीच में मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। और प्रभु जी, आज आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में आए हुए भाई बहन, अपने आप को मैं तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। तेरे पवित्र वचन सभी के हृदय की गहराई में आए, कार्य करे, 100 गुना प्रतिफल आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा टीचिंग, उसका टॉपिक ये है, बिलीव इन द प्रॉफिट्स एंड यू शैल प्रॉस्पर। हालेलुया। भविष्य दत्ताओं पर या नबियों पर विश्वास करो और तुम समृद्ध हो जाओगे या कामयाब हो जाओगे या सफल हो जाओगे। हालेलुया। तो टॉपिक क्या है? नबियों पर भरोसा करो, बिलीव इन द प्रॉफिट्स। तो ये फ्राइडे को एक बहन ने आकर गवाही दी कि सिस्टर ने उनको 4 साल पहले उनके लिए भविष्यवाणी की थी। वो सिस्टर चाल में रहती है और 4 साल पहले परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी की, सिस्टर के जरिए बताया कि तुझे परमेश्वर फ्लैट देने वाला है। हालेलुया। तो बहन ने वहाँ पर से वो बात पकड़ ली, याद रखी, बोला प्रभु आप फ्लैट देने वाले कब दोगे, कैसे दोगे, कब दोगे। हालेलुया। और वो प्रार्थना करने लगी, करते करते ऐसा हो गया, पिछले हफ्ते में उनका विरार में सिडको में एक फ्लैट हो गया। हालेलुया। तो वो सिस्टर आके फ्राइडे की फास्टिंग प्रेयर में गवाही दी, सिस्टर आपने बोली थी, मैंने भरोसा किया। हालेलुया। और देखो प्रभु ने मेरा काम कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलने का मतलब यही है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लोग प्रेरित होकर के भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं, उस पर भरोसा करो, लिख के रखो, बातें पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है, परमेश्वर ने बोला है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो भविष्यदत्ताओं पर भरोसा करो, उनकी जो भविष्यवाणी है वो पूरी होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहता हूँ, या जो भी विश्वासी देख रहे हैं उनसे भी वही कहता हूँ, भविष्यवाणी आपके लिए की जाएगी, उसको लिख के रखो, वो पूरी होगी अपने समय में, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। उसका इंतज़ार करो, उस पर भरोसा करो। तो बाइबल में एक कहानी भी है इस चीज़ के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी है आसान भी है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। हालेलुया। इसलिए पहले तो आपको जीरो इन होना है, कौन भविष्यवाणी करेगा तो होएगा। हालेलुया। यू हैव टू जीरो डाउन टू सम पर्सन कि नहीं, ये जो बोलता है तो होता है। हालेलुया। क्योंकि या हो सकता है, क्योंकि वो आदमी हमेशा अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाने की कोशिश करता है। तो ये एक दिन में आपके ऊपर प्रॉफिट का टाइटल आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। आपसे परमेश्वर बात करता है, आपके जरिए बात करता है, आप बोलते जाओ, ओवर द टाइम आप प्रॉफिट बन के इस्टेब्लिश हो जाओगे। हालेलुया। लोग आपको मानने लगेंगे यू आर प्रॉफिट। हालेलुया। इट डजंट हैपन। सो आपको अगर प्रेरणा होती है आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। आपका प्रेयर लाइफ अच्छा है, आप एक पवित्र जीवन जी रहे हो। हालेलुया। आप कॉन्फिडेंट हो, जो आवाज़ में सुन रही हूँ वो परमेश्वर की ओर से, आप बोल सकते हैं और फिर लोग आपको प्रॉफिट बोलेंगे। आमीन, हालेलुया, क्योंकि आपकी बातें पूरी होगी। तो यहाँ पर बाइबल में एक ऐसा हुआ इंसिडेंट, एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात। बोलो यहोशापात। उसको 3 देशों के राजा ने घेर लिया। कितने देश के? 3 देश के राजा ने एक बार घेर लिया।
उनको नाश करने वाले थे, उन पर आक्रमण करने वाले थे। राजा बहुत डर गया। राजा ने पूरे इसराइल में ऐलान कर दिया कि अभी हमारे पास सेना नहीं, हथियार नहीं, हम किसी भी तरीके से जीत नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के भवन के पास जाके उपवास और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, फिर हम लोग क्या करते, परमेश्वर के पास ही हाथ उठाते, बोला परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। तो यहोशापात ने ऐलान किया, सब लोग हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो सब पब्लिक जमा हो गई, दुआ करने लगे, स्तुति आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, परमेश्वर हम लोग इधर ही मर जाएंगे, हम लोग इधर से उठने वाले नहीं है, कुछ कर, कुछ बोल, ऐसे करके रोना धोना चालू था। क्योंकि जो खतरा था वो रियल था, दुश्मनों ने घेर लिया था, तीन देश के दुश्मनों ने, तीन जाति के दुश्मनों ने घेर लिया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अचानक परमेश्वर का आत्मा एक लड़के के ऊपर उतरा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, कितने जन अलाइव है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक लड़के के ऊपर उतरा, उसका नाम था अहाजियल। क्या था? उस लड़के के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उस लड़के भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया, बोला राजा डरो मत, लोगों को भी बोला डरो मत, ये युद्ध आप लोग का नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, लोग भी एक दूसरे को देखने लगे, ये कोई जाना माना भविष्यता नहीं, अचानक आज उठ के खड़ा हो गया प्रार्थना, लेकिन उसके बोलने से लग रहा है उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा है। हालेलुया, लोग राजा को भी देखने लगे, एक दूसरे को भी देखने लगे, मैसेज तो अच्छा है। हालेलुया, आमीन। और उनका जो राजा था यहोशापात, उसने बोला नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। हालेलुया, ये किसकी आत्मा बोल रही है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जो लड़का जो बोला अहाजियल, वो भी कोई याजक का ही लेवी का लड़का था। हालेलुया, और उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी थी। हम लोग देखते हैं सेकेंड क्रॉनिकल, सेकेंड दूसरा इतिहास, 20वां अध्याय, 15 वचन, बहन देखेगी, पढ़ेगी। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 15वां वचन, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। ये भविष्यवाणी हो रही है, ठीक है, ओके। यहोवा तुमसे यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया, आगे। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन भी कच्चा ना हो, आगे। क्योंकि हाँ, युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ, परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम हमारी समस्याओं को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है, अब लड़ाई तुम्हारी नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हम खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, तो परमेश्वर बोलेगा, अब ये मैटर मेरा है। हालेलुया। तो देखिए, ये यहोशापात राजा था, उस भविष्यता को नजरअंदाज भी कर सकता था, मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता था, उसके हाथ में था। लेकिन राजा ने बहुत अच्छा काम किया, बोलो बहुत अच्छा काम किया। और उस राजा ने ही सिखाया, हालेलुया, भविष्यताओं पर भरोसा करो तो तुम समृद्ध हो जाओगे। बोलो हालेलुया, भविष्यताओं पर भरोसा करो तब तुम कामयाब हो जाओगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। उनका एक वर्ड, क्योंकि वो गॉड का वर्ड है, आपका जिंदगी बदल सकता है, आपका डेस्टिनी बदल सकता है, आपका फ्यूचर बदल सकता है। हालेलुया, आप जो कुछ करते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो 20वां वचन में फिर वो राजा लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20वां वचन, उसी में सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20, 20वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। वे सवेरे उठकर तकोवा की जंगल की ओर निकल गए। आमीन।
और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, यहोशापात ने खड़े होकर सारे लोगों से कहा, युद्ध के लिए उन लोग निकले क्योंकि यहोवा ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं युद्ध मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहोशापात ने कहा ठीक है हम लोग निकलेंगे। निकलने से पहले ब्रीफिंग किया सब लोग के सामने। राजा गया, राजा ने बोला क्या बोला देखते हैं। हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। राजा बोलते हैं क्या करो, मेरी सुनो। आगे अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या करो, अच्छी बात है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। आगे तब तुम स्थिर रहोगे। आगे उसके नबियों की भी प्रतीति करो। हालेलुया, बोलो आमीन। उसके नबियों की क्या करो, यानी उनका बात पे भी विश्वास करो। आमीन। आगे तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इंग्लिश में लिखा है देन यू शैल बिकम प्रॉस्परस। किधर लिखा है देन यू शैल बिकम सक्सेसफुल। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो हालेलुया, आमीन। लोगों को उसने ऐसा एनकरेज किया, भविष्यवाणी पे भरोसा किया। इसलिए फिर यहोशापात राजा ने क्या किया, सामने तलवार लेके जाने वालों को नहीं खड़ा किया, बोला तुम लोग पीछे आ जाओ क्योंकि ये युद्ध अलग स्टाइल में लड़ा जाएगा। आमीन। अभी इसमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले आगे जाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर, बेंजो वाले कीबोर्ड वाले ड्रम वाले सब आगे, स्तुति करने वाले सब आगे। बोला सैनिक लोग तुम लोग पीछे। हालेलुया, आमेन। शायद तुम्हारी जरूरत गिरेगी नहीं क्योंकि यहोवा बोला युद्ध मेरा है। हालेलुया, तो लोग धीरे धीरे कुछ चमत्कार होने वाले यही सोचकर उस दिन आगे बढ़ रहे थे। स्तुति आराधना बॉर्डर की तरफ। हालेलुया, बॉर्डर में 3 देश की सेना चुप के बैठी है। इन लोग आगे जा रहे, सामने से कोई आ नहीं रहा है। हालेलुया, किसी ने यहोशापात से बोला सर हम लोग जा रहे उन लोग आने रहे, अचानक तो आएंगे नहीं ना, बहुत नजदीक पहुंच गए। तो उन्होंने गुप्तचर भेजे, भाई उधर से आक्रमण क्यों नहीं हो रहा है, जरा देख के आओ क्या है। जाके देख रहे उधर गुप्तचर लोग, CID लोग देख रहे, तो सब लोग मर गए। ऑपोजिट पार्टी के सारी सेना क्या हो गई है, मर गई है। लोग ने आके रिपोर्ट किया सर आएंगे कैसा, जिंदा रहेगा तो आएंगे ना, सब मर गए। हालेलुया, बोला कौन मारा, हम लोग तो इधर खड़ा है। बोले यहोवा ने मारा। प्रेज द लॉर्ड। किसने मारा, क्योंकि आपस में उन लोगों का झगड़ा हो गया, आपस में एक दूसरे को मार के मर गए, लेकिन हकीकत यह था परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दूत ऐसी कुछ तरीके से उनको मारा। तो ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें मारा मारी किए बगैर जीत गए। युद्ध में गए लेकिन मारा मारी नहीं करनी पड़ी, बोलो हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहोशापात ने भविष्यद्वक्ता पर विश्वास किया, बोलो हालेलुया। उसने केवल बोला नहीं, उसने विश्वास किया भी। दैट्स व्हाई बिलीव इन द प्रॉफिट्स एंड यू शैल बी सक्सेसफुल, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। नबियों पर प्रतीति करो तब तुम क्या हो जाओगे, कृतज्ञ हो जाओगे, ऐसा लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने एक्साइटेड है आज? यस, बहुत सारी भविष्यवाणी आपको मिलती रहती है सिस्टर मार्सेलिन के जरिए, उसको लिख के रखो, नोट डाउन करो, कभी ना कभी वो बातें पूरी होगी, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है वो पूरी होगी। हालेलुया, आमीन। वो काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर बताता नहीं कैसे कब कहाँ, लेकिन परमेश्वर अगर बोलता है कुछ बात तो वो पूरा भी करता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही एक और एक कहानी बाइबल के अंदर आज हम देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो है एलिया की। कितने जानते एलिया भविष्यवक्ता? तो ये जो भविष्यवक्ता था, उसके जमाने में पृथ्वी पर अकाल गिरा, उनकी एरिया में इसराइल में अकाल गिरा, यानी बारिश नहीं, खेती नहीं, खाने के समस्या, पानी की समस्या। तो एलिया ऐसा भविष्यवक्ता था, हर एक काम परमेश्वर से पूछ के करते थे और उनसे परमेश्वर कान में ऑडिबल आवाज से बात करते थे। प्रेज द लॉर्ड, हमसे भी परमेश्वर बात करता है ना। एक्चुअली परमेश्वर सब इंसान से बात करता है। हाथ दिखाओ, बोला टेंशन है परमेश्वर, पास्टर हाथ उठाने बोल रहे हैं। नहीं नहीं, देखो हमको कोई गलत काम करने का मन होता है, दिल में से एक आवाज आता है, मत कर। वो किसका है? परमेश्वर का है। चोरी कर, वो किसका है? शैतान का है। गलत काम कर, वो किसका है? गलत काम मत कर, वो किसका आवाज है? सो परमेश्वर का आवाज तो हम सब सुनते ही है। आमेन, हालेलुया। भविष्यवाणी की बात अलग है, परमेश्वर की आवाज हम सब सुनते हैं। हालेलुया, हर इंसान से परमेश्वर हृदय में बात करता है। हालेलुया, लेकिन कुछ लोग जैसे एक दूसरा इंसान बात करता है वैसा भी परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। तो एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था, वो जैसे इंसान का आवाज, फीलिंग नहीं, सोच नहीं, ऑडिबल वॉइस परमेश्वर का वो सुनता था। तो एक दिन ऐसे अकाल के समय में वो सोच रहा था, अभी किधर जाना है, क्या करना है, भाई कौन खाना देगा? जब मौसम अच्छा रहता है तो सब लोग खाना देता है। हालेलुया, जब देश में अकाल गिरा तो टेंशन हो जाता है खाने का। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो एक दिन उसको परमेश्वर की आवाज आती है, जाओ यारेपात नामक गांव में जाओ, सिदोन में वो गांव है। हालेलुया, जैसा तुलिंज रोड नाला सुपारा में है, क्या नहीं? तो परमेश्वर ने उसको बोला, जाओ तुलिंज रोड पे जो नाला सुपारा में है। परमेश्वर हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं, बोलो एग्जैक्ट, जो अपने दास दासी है उनसे एकदम क्लियर बात करते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ ऐसे दास दासी को वो चुनते हैं, उनके जरिए एकदम क्लियर बात करते हैं। हालेलुया, तो एलिया से बताया, डायरेक्ट लोकेशन बताया और बताया कि वो विधवा है। हालेलुया, मैंने एक विधवा को, यारेपात की विधवा को जो सिदोन गांव में रहती है, उसको मैंने आज्ञा दिए, आगे का खाना वो तुझे खिलाएगी। हालेलुया, अब एलिया भविष्यवक्ता परमेश्वर के हुक्म पे चलता था। वो उस गांव में गया, जैसे उस गांव में हमारे एक गांव में एक एक एंट्री का गेट रहता था, जैसे नाला सुपारा में भी कुछ कुछ गांव में गेट है, अगर आप पाचोले गांव में जाओगे उधर एक गेट है। हालेलुया, डॉक्टर अंबेडकर गेट करके उसका ऊपर लिखा है ना। तो ऐसे हर एक गांव में एक एक गेट रहती थी। तो गेट के पास जाकर, यारेपात नामक गांव के गेट के पास जाकर एलिया खड़े हो गए। हालेलुया, कितने सुन रहे मुझे? प्रेज द लॉर्ड। खड़े होके देखने लगे, विधवा कौन है इसमें? हालेलुया, तो एक विधवा उसको दिखी, लकड़ा जमा कर रही थी खाना बनाने के लिए। तो उसने उसको जीरो की जीरो जीरो डाउन टू दैट विधवा के ऊपर ध्यान दिया, लगता है यही है। परमेश्वर ने उसको विधवा कौन है नहीं बताई थी, खाली बोला था विधवा। हालेलुया, तो उस विधवा के पास वो गए एलिया और उसको बोले, अभी डायरेक्ट बोल नहीं सकते खाना दो, क्योंकि उसको मालूम नहीं वही विधवा है कि नहीं। हालेलुया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पानी पिलाओगे? बोले ठीक है, पानी पिला दोगे। आमेन। तो पानी लाने जा रही थी तो एलिया ने उसे कहा, जरा सुनो, आते आते जरा रोटी भी लेके आना। हालेलुया, अभी रोटी की तंगी थी वहाँ पर, क्योंकि अकाल गिरा था। बोलो अकाल गिरा था। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि मैं वहाँ पर एक विधवा को बोला है तुझे रोटी खिलाने के लिए, इसलिए एलिया उसको बोलते हैं
आते आते जरा रोटी लग गया ना, ताकि ये भी देखता है कि वो ही विधवा तो यही है ना कि परमेश्वर ने जो बोली है विद्या, तो विधवा रुक जाती है, पानी लाने जा रही थी, ब्रेक लग जाती है उसकी गाड़ी में। हालेलुया, बोला काई सांगू तुम्हाला। हालेलुया, एलिया को देख के बोला क्या, आपको क्या बताऊं सर, थोड़ा सा आटा बचा है, एक मुट्ठी आटा बचा है, थोड़ा सा तेल बचा है। हालेलुया। और हम लोग, मैं अभी लकड़ी इधर चुन रही थी, आखिरी खाना बनाएंगे, खाने के बाद हम, मैं और मेरा बेटा, हम लोग सुइसाइड करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हालेलुया। ऐसा सोच के मैं लकड़ी इधर चुन रही थी और आप बोल रहे हैं रोटी लेके आओ, तो एलिया परमेश्वर को कांटेक्ट किया, परमेश्वर रॉन्ग नंबर, गलत विधवा लगता है। परमेश्वर बोला नॉट रॉन्ग नंबर, राइट नंबर। हालेलुया, राइट नंबर। हालेलुया, मन में बात चल रही है, विधवा सामने खड़ी है, विधवा बोलती है नहीं ला पाएगी मैं क्योंकि मेरी हालत खराब है। परमेश्वर से कांटेक्ट, परमेश्वर बोलते हैं इस विधवा को ऐसा बोलना, जब वो तुझे रोटी बना के खिलाएगी तो उसका डब्बे का आटा कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, उसके कुप्पी में का तेल कभी खत्म नहीं होगा। तो एलिया बोलते ओके सर, बोलते देखिए आप जो बोला मैं सुना, सुसाइड करने का बात कर रहे हो, आप पहला मुझे रोटी बना के लाओ और फिर जो करने का कर लेना। हालेलुया। लेकिन सेनावों का यहोवा ये कहता है तेरे डब्बे का आटा कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और तेरे घर में का कुप्पी का तेल भी खत्म नहीं होगा जब तक बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। यानी जब तक अच्छे दिन आने वाले नहीं है तब तक तेरे घर में ये डब्बा खत्म नहीं होने वाला है और तेल खत्म नहीं होने वाला है। विधवा सुनती है, बाबा लालच तो नहीं दे रहा ना, हालेलुया, ये रोटी भी खा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे ढोंगी लोग रहते हैं जिसके वजह से इंसान परेशान रहते हैं। बोलो हालेलुया। एनालाइज की, उसने विश्वास किया एलिया के ऊपर, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वो अपने घर पे गई, रोटी बना के लाई, हालेलुया, नहीं खाई, आखिरी रोटी थी, उसके बाद उसको मरना था, लेकिन नहीं खाई, बनाए, परमेश्वर के दास को बोली खाओ, खाओ सर खाओ। एलिया ने खाया, हालेलुया। फिर एलिया बोला अब अपने लिए बनाओ, बोली जाओ घर पे देखो फिर से डब्बे में आटा है या नहीं, बोला जाओ देखो। हालेलुया। घर में गई तो आटा वैसा का वैसा पड़ा है, अपने लिए अपने बेटे के लिए बनाई, खाई, प्रेज द लॉर्ड। फिर देखी तो फिर आटा का वैसा पड़ा है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। एक दिन नहीं, बहुत जन को लगता है एलिया एक ही दिन उसके पास रोटी खाया, बाइबल में लिखा है जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक एलिया उसका मेहमान था, रोज खाता था उतने में आटे में। हालेलुया, बाइबल में लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखो पहला राजा 17वां अध्याय, सात से 16 तक पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, बहन पढ़ेंगे फटाफट। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। आमीन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा,
अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ, एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेके आ। आगे उसने कहा, उसने कहा, विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। आई शपथ, क्या बोली? जैसे इंडिया में आई शपथ बोलते, प्रेज द लॉर्ड। उसने तो यहोवा की शपथ खा डाली। किसकी शपथ खा डाली? अभी माना पब्लिक को कौन समझाएगा, भरोसा नहीं करते। इसके लिए इंडिया में सामने वाला विश्वास नहीं करता तो लोग लास्ट में क्या बोलते हैं, माँ कसम। बाइबल में अलाउड नहीं है, हालेलुया, लेकिन बोलते हैं, मेरा सर का कसम, मेरे बच्चे की कसम, हालेलुया। कोई बोलते मेरे पर्स की कसम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये विधवा बोली, यहोवा की कसम, झूठ नहीं बोल रही हूँ, हालेलुया। आगे, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, आमेन, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, मुट्ठी भर मैदा है। आगे, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ। अपने और अपने बेटे के लिए उसे पका के हम लोग खाए, इसके लिए लेके जा रही हूँ। आगे, और हम उसे खाए फिर मर जाए। खाए फिर उसके बाद खाना नहीं है तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, है ना, मर जाएंगे। आगे, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। बोलते हैं मत डर, तुझे जो करने का कर वो छोड़ दे। आगे, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। मेरे लिए छोटी रोटी बना के मेरे लिए लेके आ। आगे, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उसके बाद अपने लिए, अपने बेटे के लिए बनाना, और प्रोफेसी भी साथ में करते हैं। देखो वो जो ऑर्डर बोलते हैं, मेरे लिए रोटी बना, साथ में प्रोफेसी भी करते हैं। क्या प्रोफेसी करते हैं? क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, आगे यो कहता है, कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, जब तक बारिश नहीं आएगी, जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा, आगे तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा। आमेन। वो घड़े का मैदा क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। आगे, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, हालेलुया। तो ये विधवा क्या करती है, विश्वास करती है, बोलो विश्वास करती है। आगे 15 वचन, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, हालेलुया। बोलते 15 वचन में लिखा है, तब से एलिया, तब से फिर से पढ़ेंगे 15 वचन, ध्यान से सुनो, तब से वह यानी एलिया और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। एलिया उधर ही सेटल हो गया, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। यानी ऐसा नहीं जादू करते, आमेन आमेन। डिस्कवरी में भी दिखाते हैं, डायनामो है, क्रिस एंजल है, कबूतर निकलते हैं, पानी को रोकते, बर्फ करते हैं, तुम्हारा मोबाइल का पासवर्ड खोल देते हैं, आमेन, या पत्ता निकल के दिखाते हैं ना, लेकिन वो तो जादू है ना, जादू है, आगों का कुछ स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, मैजिक करते हैं, हालेलुया। लेकिन ये ऐसा कोई मैजिक नहीं था, ये रियल चमत्कार था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। इसको मतलब रोज खा रहे थे, यानी तभी के लिए नहीं, उसके बाद शाम का खाना, उसके बाद दूसरा दिन खाना, नाश्ता रोज कर रहे। विधवा बोल रहे, वाह रे वाह, चमत्कार भैया। एलिया बोलते हैं, मस्त मेरो, हालेलुया, तूने भरोसा किया इसके लिए, भाई तेरे को भी खाना मिला, मेरे को भी मिला, हालेलुया, नहीं तो मुझे परमेश्वर और किधर भेज देता। अभी देखिए, परमेश्वर एलिया को कोई राजा के पास भेज सकते थे, बेटा एलिया तो इधर उधर कहाँ भटकते रहेगा, चल राजा के पास तुझे रेकमेंड करता हूँ, आमेन, तू जा उधर तुझे खाना मिलेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर किसके किसके पास भेजा, उस विधवा के पास भेजा। आज परमेश्वर को अपना साम्राज्य भारत देश में खड़ा करना है, परमेश्वर पास्टर नोएल को अंबानी के पास नहीं भेज रहे, हालेलुया, किसके पास भेज रहे, आम जनता के पास, प्रेज द लॉर्ड,
बोलो हालेलुया। क्यों? या अपने परमेश्वर अपने दासों को भी ऐसे ही लोगों के पास भेज रहे, उसमें क्या होगा? परमेश्वर उन्हें आशीष भी दे पाएगा। उन लोग जब परमेश्वर को आशीष देंगे, बदले में परमेश्वर उनको आशीष देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर है ना, परमेश्वर तो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का मन ऐसे ही बदल सकते हैं, कठिन नहीं है। अगर इसके कुप्पी में तेल बना रख सकते हैं, आटा बना रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर दिनाकरन ने एक बार परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये जो आप बोलते हो ऐसे लोगों को पार्टनर बनाओ, उन लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भेजेंगे, मतलब उनका सोच था कि भाई प्रभु आप कोई एक बड़ा आदमी को ही भेज दो, ये सब पार्टनर बनाए ये लोग पैसा भेजेंगे, ये टेंशन नहीं मांगता है। हालेलुया। बोले नहीं बेटा, उन लोग जब पैसा भेजेंगे तब मैं उन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं उन्हें आशीष देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये योजना बनाई। पैसा तो कहाँ से भी आ सकता है, मुझे भी मालूम है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत है, जिसके जरिए आएगा उसको ब्लेसिंग मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो अगर अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं तो उनके जरिए उसको वो आना जरूरी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितने सुन रहे मेरी बात? तो वो आटा खत्म हुआ गया, लेकिन ये विधवा के जीवन में चमत्कार हो गया। क्यों हो गया? उसने भविष्यद्वक्ता की बातों पर क्या किया? विश्वास किया। अगर खा जाती थी वो रोटी, दूसरे दिन उसको मरना पड़ता था। हालेलुया, लेकिन उसने वो रोटी परमेश्वर के दास को दी, तो इसके लिए उसके जीवन में चमत्कार हो गया। हालेलुया। अकाल में सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इन लोग अब चुपचाप अंदर बैठ के खा रहे थे निकाल के। सब लोग तनाव में भाग रहे, लेकिन ये बोलते नहीं तो अपने घर के बाहर भीड़ लग जाएगी। बोला तेरे डब्बे में से डालते जा, क्योंकि उसमें चमत्कार आया, वो खत्म नहीं हो रहा है अभी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एलिया भी मस्त में था, परमेश्वर का काम कर रहा था, विधवा भी मस्त में थी, उसका घराना भी। 15 वचन में, फिर से 15 वचन बहन पड़ेगी, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए डबल पढ़वा रहा हूँ। तब वह चली गई, हाँ, और एलिया के वचन के अनुसार, हाँ, किया। तब से वह और स्त्री, हाँ, और उसका घराना, हाँ, बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। और 16 वचन, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, हाँ, न तो उस घड़ी का मैदा समाप्त हुआ, हाँ, और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो मेरा टॉपिक क्या है? भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पर क्या करो, और तुम क्या हो जाओगे? समृद्ध हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे। आमीन। बहुत साल पहले जब हम लोग कलीसिया यहाँ पर नाला सुपरा में हो गई, तो बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं ना, मलाड से आते हैं, मुंबई से आते हैं, अंधेरी से आते हैं, बुरेली से आते हैं, दहिसर से आते हैं, कांदिवली से आते हैं, फिर हर स्टेशन से लोग आते हैं, विरार। तो बहुत जन ने बोला, पास्टर आप ब्रांच बनाओ। मैं उन लोगों को बोलता था, नहीं आप लोग आना इधर ही आना। बोले नहीं, बहुत तकलीफ होता है ट्रेन में आने के लिए, परिवार के साथ सब लपड़ा होता है। बोलते तो उधर ही आप कोई चर्च ज्वाइन कर लेना। नहीं, आपका चर्च उधर रहेगा तो अच्छा होएगा। हालेलुया। लोग क्या बोलते थे? आपका चर्च उधर होएगा तो अच्छा होता था, हम उधर आपका चर्च में आएंगे लेकिन उधर आएंगे। ठीक है, बुरा सोच नहीं है आपका। और कलीसिया भी लोग बोलते तो डालने में क्या है? लोग बोलते हम सपोर्ट करेंगे, हम आएंगे, हम संभालेंगे, हम लोगों को लाएंगे उधर, सब हम करेंगे। लेकिन मैं बोला ठीक है, फिर भी परमेश्वर को मैं पूछता हूँ। किसको पूछता हूँ? तो मैंने डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन को एक चिट्ठी लिखी। हालेलुया, जो परमेश्वर के महान दास थे, आज वो धरती पर नहीं है। हालेलुया। तो उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी, सर ऐसा ऐसा है, मेरे जो लोग हैं
मुझे बोल रहे हैं कि ब्रांच खोलो, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ? जहाँ जहाँ ज़रूरत है अलग अलग गांव में ब्रांच खोल सकता हूँ? तो परमेश्वर, उन्होंने प्रार्थना की और मुझे चिट्ठी लिखी रिटर्न में, बोली बेटा हालेलुया, तुम्हारे लिए परमेश्वर की ये योजना है, तुम एक ही जगह पर सेवा करो, ब्रांच नहीं खोलने का। हालेलुया, बोला ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हमारे आते थे वहाँ से, उन लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, नहीं पास्टर नहीं तो चर्च छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे, आएंगे नहीं, करो, सब लोग कर रहे। मैं बोला सब लोग मरने दे, हालेलुया, लेकिन मुझे क्या है, मुझे गॉड ने बोला है नहीं, ठीक है। फिर भी उन लोग प्रेशर डाल के नाईगांव में चालू किए, नहीं बंद हो गया। वसई में चालू किए, बंद हो गया। विरार में चालू किए, बंद हो गया। भाईंदर में चालू किए, बंद हो गया। मलाड में चालू किए, बंद हो गया। हालेलुया, बिलीमोरा में चालू किया, बंद हो गया। हालेलुया, चालू मतलब गॉड ने बोला था नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते थे प्रेशर, तो मैं बोलता था ठीक है तुम लोग ही देख लेना, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे परमेश्वर के भविष्य दत्ता ने बोला, वो तो यीशु मसीह से डायरेक्ट आमने सामने बात करते थे, हालेलुया, उसने बोला कि नहीं। लेकिन मैं भी ये सोचता था, परमेश्वर अगर मुझे आप ये भविष्यवाणी देते पूरा इंडिया में ब्रांच खोलो, मैं खुश हो जाता था। लेकिन आपने मुझे ऐसी भविष्यवाणी दी, किधर भी नहीं खोलना, एक ही जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कोई कोई मिठाई का दुकान का नाम याद आता है, नो ब्रांचेस। कोई कोई मिठाई वाले क्या बोलते हैं, खाली इधर ही मिलेगी मिठाई और किधर नहीं मिलेगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सोचता था बहुत दिन तक कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोला, एक ही जगह पे करो। मेरे लिए, मैं ऐसे पास्टरों का कोई विरोध में नहीं जो अलग अलग जगह पे ब्रांच खोलते हैं, देखो उनके लिए परमेश्वर की योजना हो सकती है ब्रांच खोलने की, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर की योजना ब्रांच खोलने की नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जिधर भी काम करूं दिल लगा के करूं। ब्रांच खोलने में क्या होता है, फिर बोला अंधेरी जाने, आप लोग को बाय बाय आधे में छोड़ के चला जाऊंगा, है ना। एक डॉक्टर का बहुत सारा हॉस्पिटल रहेगा, ध्यान नहीं देगा बराबर। शायद हो सकता है परमेश्वर बोला इसके लिए एक ही जगह पे काम कर, जो लोग आते उन पर अच्छे से ध्यान दे। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और दिल लगा के काम कर, आमीन। तो कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर बहुत जन मर रहे, बंदर में मर रहे, अंधेरी में मर रहे, परमेश्वर बोलते मरने दे, तू इधर ही बैठ। हालेलुया, तेरे को जितना काम दिया उतना अच्छे से कर, आगे का स्टोरी मैं बताऊंगा तेरे को, है ना। कभी कभी हम पूरा इंडिया का बोझ ले लेते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर बोलते हैं मत ले बेटा, तेरे को अभी थोड़ा काम दिया उसको संभाल, अच्छे से करेगा तो इंडिया का बोझ दूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलते ना जो छोटे चीज में विश्वासी, उसको बड़े बड़े बातों में भी विश्वासी बना दिया जाएगा। हालेलुया, तो जो भी है उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला नहीं इसके लिए अभी फिलहाल। अभी तो हम किसका बोलने से भी, मैं बोलता हूँ भाई तेरे को आना है तो आ, मत नहीं आने तो मत आ भाई, सॉरी, आमीन, हालेलुया। मैं अभी ना कुछ नहीं करूँगा किसके बोलने से, कोई किधर ब्रांच नहीं खोलूंगा, आमीन। तो मुझे बहुत जन बोलते हैं जिधर भी जाता हूँ, पास्टर जी खोल देता हूँ इधर आपके नाम से लास्ट स्टॉप। बोला ना, बोलते आपको कुछ देना थोड़ी है, मैं बोला नहीं मेरा नाम नहीं लेगा तू, प्रेज द लॉर्ड। अगर तू लास्ट स्टॉप डालेगा तो तेरा बंद ही हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा प्रार्थना तेरा, तो दूसरा नाम डाल चलेगा। हालेलुया, लास्ट स्टॉप का नाम मत डाल, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये एक ही जगह पे चलेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन आज अच्छा है, सही बात है, वो भविष्यदत्ता की बात सही थी, आज मैं एक ही जगह पे हूँ लेकिन कामयाब हूँ, सफल हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उन्होंने भविष्यवाणी किया, ऐसा मुझे लगा कि बांध के रख दिया, लेकिन नहीं, परमेश्वर की योजना, हालेलुया, आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
क्योंकि हर एक आदमी के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना रहती है। बोलिए हालेलुया। तो ये भविष्यद्वक्ता ने बोली हुई बातें हैं, उस पर क्या करो और तुम क्या हो जाओगे? बोलो सफल हो जाओगे। क्या मैं सफल हुआ कि नहीं? आज इतने सारे लोग आ रहे हैं, है ना। मैं 10-12 ब्रांचेस मुंबई में बनाता, उसमें भी पूरा मिला के इतने लोग नहीं आते तो क्या फायदा होता? आमेन, है ना। सो इट इज नॉट वन प्लेस, इट इज नॉट मेनी प्लेसेस, लेकिन परमेश्वर की महिमा उधर होनी चाहिए। और जो भी काम आप करोगे परमेश्वर के इशारे पे या उसकी भविष्यद्वक्ताओं की, उसके चुने हुए भविष्यद्वक्ताओं की, ओके, प्रेज द लॉर्ड, बातों पर चलना, हालेलुया, तो तुम आशीष पाओगे। आमेन। चुने हुए भविष्यद्वक्ता इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी परमेश्वर के नाम पे कुछ लोग हैं जो, आमेन, हालेलुया, बहुत सारा कंफ्यूजन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आप भी देखते होगे, टीवी पे देखते होगे, यहाँ पर देखते होगे, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जादू टोना है कि परमेश्वर की आत्मा है, हालेलुया, क्योंकि वो फर्क दिखने में मुश्किल हो रहा है आजकल। कुछ कुछ ऐसे जादू टोना से उन लोग खुला बोलते हैं, आई एम ए मैजिशियन, प्रेज द लॉर्ड, क्रिस एंजल है, डायनामो है, हालेलुया, और कौन है भाई, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आमीन। उन लोग पानी पे चलते हैं, गायब करते हैं अपने आप को, आमीन, आपकी घड़ियां रुका देते हैं, पानी को रुका देते हैं, चांद को रुका देते हैं, या ऐसे चांद को गायब कर देते हैं, आमीन, बोलो हालेलुया। तो कुछ पास्टर लोग भी ऐसे कर रहे हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको टेंशन आता है, आमेन, ये पास्टर वो जादूगर जैसा कर रहा है, आमेन, हालेलुया। तो जादूगर भी परमेश्वर का है क्या, ये पास्टर परमेश्वर का, कंफ्यूज होता है लोग, बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऐसे सब काम नहीं किए, हालेलुया। एक पॉइंट आपको नोट करना है, ये सब बातें यीशु मसीह ने नहीं की, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, हालेलुया। तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से रहना है क्योंकि बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में ऐसी बहुत सारी झूठे भविष्यद्वक्ता उठ के खड़े हो गए, और लिखा है आत्माओं को परखो, किसको परखो, हालेलुया। तो अंतिम दिनों में कलीसिया को बहुत सावधान रहना है, एट द सेम टाइम पवित्र आत्मा के कार्यों में हमको भी काम करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमको, है ना, By their fruits you shall know them, Bible में लिखा है, उनके फलों से तुम उनको जानोगे, हालेलुया, या उनके कामों से तुम उनको जानोगे, हालेलुया। तो एक मेरे अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ, क्या सुनने में तैयार है आप लोग? बोलना भी चाहिए क्योंकि लोग बहुत डरते हैं। देखो हम ऐसे बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि बाइबल में डरते क्यों मालूम है, बाइबल में ऐसा लिखा है तेरे सब पाप समा हो गए, लेकिन अगर तू पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई पाप करेगा तो क्षमा नहीं होगी, हालेलुया, इसके लिए लोग डरते भी है। लेकिन बाइबल में दूसरा जगह लिखा है आत्माओं को परखो, आत्माओं को क्या करो, परखो कि देखो कि कहां से, हालेलुया। तो अंतिम दिनों में एक टेंशन है, बहुत जन आत्मा में काम कर रहे हैं, परमेश्वर का कौन है, परमेश्वर का कौन नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बात हमें इशारे समझ में आते हैं कि जैसा मैंने देखा अफ्रीका में कुछ पास्टर्स हैं,
उन लोग क्या बोलते मालूम है, तुमको अगर मेरा अभिषेक चाहिए तो मेरे जूते को टच करो. किसको टच करो? कमांड करते हैं. देखो कोई आके आपके जूते पे गिर गया आदर भाव सम्मान से, वो बात अलग है. आपका पैर पकड़ लिया, यीशु मसीह का भी एक औरत ने पैर पकड़ा, हालेलुया, रोई. लेकिन यीशु मसीह तो योग्य है, उसके पैर पकड़ सकते हैं क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो ही खुद परमेश्वर था. हालेलुया. लेकिन वो जो ऐसे भविष्यद्वक्ता आज की तारीख में है, उन लोग ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे जूते को टच करो तब मेरा अभिषेक तुझ पर आएगा. हालेलुया. शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला? सब दूंगा. स्वर्गदूतों ने योहन्ना जब रेवलेशन पा रहे थे, स्वर्गदूतों के सामने जब पा रहे थे, स्वर्गदूतों की महिमा देखी, वो भूल गए कि केवल परमेश्वर को दंडवत करना है. उन्होंने स्वर्गदूतों का पैर पड़े. स्वर्गदूत बोले ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, केवल परमेश्वर का पैर पड़ना. बोलो हालेलुया. केवल किसका पैर पड़ना? आमेन. तो कुछ ऐसे भविष्यता है. मैं अभी उनको फिलहाल गलत नहीं बोल रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल में बोला है परको मैं भी फास्टिंग प्रे करूँगा इस चीज़ के लिए. सारी दुनिया परेशान है लेकिन मालूम किसको नहीं कि क्या सही है क्या गलत है. हालेलुया. कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रीचिंग भी करते हैं, यीशु के क्रूस के बारे में बात करते हैं, यीशु के लहू के बारे में बात करते हैं. हालेलुया. और टीचिंग भी अच्छा है, काम भी हो रहे हैं, प्लस ये भी काम हो रहे हैं. हालेलुया. जो मतलब यीशु मसीह के जरिए नहीं हुए हैं. हालेलुया. या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमको लगता है कि इसको करने से, किसका पासवर्ड खोलने से क्या फ़ायदा है, किसका टैब खोलने से क्या फायदा है, मतलब प्रेज द लॉर्ड. तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इनके ऊपर. हालेलुया. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन जब तक मुझे, लेकिन कुछ चिन्ह बाइबल, देखो हमारा आधार क्या है? बाइबल. बाइबल क्या बोलती है? पैर को, किसके पैर पे जबरदस्ती कोई बोलेगा तो ठीक नहीं है. हालेलुया. आप आदर सम्मान के साथ माता पिता का छूते पैर, चलो वो अलग बात है, इंडिया का ट्रेडिशन है, प्रेज द लॉर्ड, अलग बात है. लेकिन कोई बोलेगा पैर छू तभी तेरे को अभिषेक दूंगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सोचने वाली बात है कि नहीं? तो हमको थोड़ा सोचना है, थोड़ा अलर्ट रहना है. आमेन. कुछ इंडिया के पास्टर लोग भी उनके पास जाके अभिषेक लेके आए हैं, सावधान रहना है. समझने वाले को इशारा काफी है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. उन लोग नहीं बोल रहे टच माय शूज, लेकिन अभी देखो क्योंकि अफ्रीका में कुछ जादूगर लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं ये पास्टर ने मेरे पास से अभिषेक लिया है. हालेलुया. मैंने उसको पावर दिया है, फिर वो दूसरे को दे रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन जब तक परमेश्वर मुझे बताएगा नहीं, मैं कुछ दोष नहीं लगाऊंगा. लेकिन हमको ये सब चीजों से सावधान रहना है. हमको एक पैरामीटर्स दिया गया है बाइबल से, बराबर ना? बाइबल से हमको क्या दिया गया है? पैरामीटर्स दिया गया है. क्योंकि ये भी तो लिखा है बाइबल में, अंत में इवन ही विल डिसीव द इलेक्ट वंस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है. आमेन. और ये जो पास्टर से, उन लोग का ज्यादा करके बिलियनर क्लब, उन लोग अपने जूते पे लिखते बिलियनर.
टच माय शूज यू विल बिकम अ बिलियनर प्रेज द लॉर्ड और उनके जूते पे लिखा है बिलियनर हालेलुया हालेलुया ठीक है जो भी है बट संभाल के रहना देखो जब पॉल दिनाकरन को हम देखते हैं हमको उसके पर ऐसा शक नहीं होता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जब डीजीएस दिनाकरन को देखा हमको उनके पर शक नहीं हुआ लेकिन जब इनको देखा हमको शक हो रहा है कुछ अंदर से बेचैनी हो रही है अच्छा भी लग रहा है बड़े बड़े काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ गॉड का आदमी है क्या नहीं गॉड का आदमी है क्या नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये शक क्यों हो रहा है भाई मुझे मालूम नहीं मुझे क्यों शक हो रहा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसे क्या फ्रांसिस को देखता है तो शक नहीं होता है हालेलुया आमेन मोहन लाजरस को देखता है तो शक नहीं होता है आमेन लेकिन ऐसे लोग को देखने से कुछ हो रहा है हालेलुया बोलो हालेलुया तो क्या हो रहा है देखना पड़ेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ठीक है तो इसलिए ओनली ये मत देखना हर एक बातों को देखना वी हैव टू सी ऑल द बैलेंस एंड वी हैव टू सी द सोर्स प्रेज द लॉर्ड कि कहाँ से डोंट बी पावर हंग्री ओनली पावर हंग्री होएगा तो शैतान ट्रैप करेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो आपको और मुझे सावधान रहना है आने वाले दिनों में ये सब बहुत होने वाला है हालेलुया बोलो हालेलुया तो हम लोग प्रार्थना करना है और परमेश्वर को बोलना है अगर सही है ठीक है परमेश्वर हमको भी ऐसा अभिषेक मिल जाए लेकिन गलत है प्रभु हमें बचाना बोलो हालेलुया हालेलुया तो जो मेरे दिल में जो बात था वो मैंने आपको शेयर किया प्रेज द लॉर्ड अच्छा किया कि नहीं आप लोगों को भी ऐसा कुछ होता था शक कितने जन को ऐसा कुछ शक होता था हाँ प्रेज द लॉर्ड सही है बराबर है आमीन जो ये देख रहे हैं उनको भी शक होता था हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो कभी ना कभी तो भांडा फूटेगा हालेलुया कभी ना कभी तो फूटेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लेकिन हम प्रार्थना करेंगे लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग ऐसी इसमें जा रहे हैं आइए अपने आगे बंद करेंगे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस योर वर्ड्स इज वेयर टू टुगेदर इन माय नेम आई एम देयर इन द मिडस्ट धन्यवाद राजा धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु प्रभु यस लॉर्ड जैसे आज हमने देखा भविष्यताओं पर भरोसा करने के लिए आपके वचन में बोला गया भविष्यताओं पर भरोसा करो और तुम समृद्ध हो जाओगे प्रभु जी हमें आशीष दे हमें ज्ञान दे हमें बुद्धि दे हमें समझ दे प्रभु हम और एट द सेम टाइम प्रभु आपने कहा आत्माओं को परखो उस पर भी ध्यान दो सारी आत्माएं उनका सोर्स को देखो उनका शक्ति जो उनको मिल रही है कहीं से कहाँ से मिल रही है प्रभु यीशु आत्माओं को परखने के लिए भी आपने हमें कहा है प्रभु यीशु सो वो बात पे भी हमें ध्यान दिलाना पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं सब लोग बोलेंगे आमीन